हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अबी एक्स्ट्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हम पूरी की पूरी बुक के हर चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब एग्ज़ाम में अगर आप और कुछ नहीं करके जा रहे हैं तो ये वाले क्वेश्चंस तो आपको ज़रूरी करने चाहिए, और इसमें से ही ज़्यादातर जो है टीचर्स पेपर बनाते हैं। तो चैप्टर वन जो है, चैप्टर वन की एक्सरसाइज 1.1 है ना आपकी, उसका क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.2 में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी 2-3 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें कुछ। फिर एक्सरसाइज आप ना क्या करिए, अपनी बुक ले लीजिए साथ में, और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, आप अपनी बुक में मार्क करते जाइए उन क्वेश्चन को। तो आपको मतलब ईजिली फिर जब भी आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर जैसे एग्जाम से एक दिन पहले एक दिन की छुट्टी होती है, उसमें आपको ये वाले क्वेश्चंस तो ज़रूर करने हैं, और बाकी बच्चे जो कुछ और नहीं कर रहे हैं इतना ज़्यादा, वो ये वाले क्वेश्चंस ज़रूर कर लें। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आपको ज़रूर से करना है। फिर 1.3 का क्वेश्चन 1, 5 और 8 करना है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं। फिर चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 6, 8 और 2.2 का 3 और 6 और 2.3 का 5, 6 और 7। तो देखिए, ये वाला वीडियो जो है, ये वाला मैं बना रही हूँ आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के उसमें पर्सपेक्टिव में। फिर थोड़े टाइम बाद में मैं वीडियो लेके आऊँगी, जैसे कि आपके यूटीज़ होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, जिसमें एक एक दो दो चैप्टर्स आते हैं, तो उसमें हम लोगों को कुछ और क्वेश्चंस भी देखने होंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल ये जो है, ये अभी आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें, खैर ये वाले क्वेश्चंस तो यूटीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, और कुछ और भी ऐड हो जाएंगे जब यूटी वाला वीडियो बनेगा। तो अभी के लिए आप ये वाले क्वेश्चंस तो आपको ज़रूर ज़रूर से करने हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 8 और 2.2 का 3 और 6 और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 आपको ज़रूर से करना है। फिर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8, 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3, 2.7 का क्वेश्चन 5 और 6। फिर चैप्टर 3 पे आते हैं, तो चैप्टर 3 में फर्स्ट एक्सरसाइज का 3.1 का 4 और 6 हमें करना है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। फिर चैप्टर 4 में आपको इतना कुछ है नहीं इसमें, तो 4.1 का क्वेश्चन 2, 4.2 का 3, 4.4 का क्वेश्चन 2 और 4.2 का क्वेश्चन 3, 4.3 का क्वेश्चन 2 और 4.4 का भी क्वेश्चन नंबर 2। फिर चैप्टर 5 में आपको 5.1 का 9 और 12 वाला बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 12 ये तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.1 का फर्स्ट, 6.2 का सेकंड, 6.3 का सेकंड, 6.4 का सिक्स और 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 के ये वाले सारे आपको करने हैं। चैप्टर 7 की 7.1 में से इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है उस एक्सरसाइज में। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चैप्टर 8 का देखें तो 8.1 में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, 8.2 में 7, 8, 9, 10 ये चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े बढ़िया तरीके से आपको कर लेने हैं। 8.3 का 4 और 11। अब चैप्टर 9 की 9.1 जो है उसका फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन, और 9.2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 9th चैप्टर के ये वाले सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। 10th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट और सेकंड के ये वाले चैप्टर 10 का आपको ये करने हैं। चैप्टर 11 में 11.1 का 6 और 8, 11.2 का 6 और 7, 11.3 में इतना कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो और 11.4 का 8 और 9, तो चैप्टर 11 में आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का अगर हम चैप्टर 12 का देखें तो 2.1 का 4, 2.2 का 4 और 6, 2.3 की 6 और 7, चैप्टर 12 के ये सारे क्वेश्चन, जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 के ये वाले सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। फिर चैप्टर 13 के 13.1 का 5 और 7, 13.2 का 2 और 5 और 13.3 की थर्ड एक्सरसाइज के
टू और थ्री, तो 13 चैप्टर के हमारे ये वाले क्वेश्चंस देखने हैं हमें। 14th चैप्टर में मतलब फर्स्ट वाले में तो एक्सरसाइज 4.1 में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं अच्छे से। चैप्टर 15 का आपको 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से देखना है। तो ये हमारे फाइनल एग्जाम्स के बेसिस के हमारे क्वेश्चन हो गए जो हमें करने हैं, और फिर बाकी मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जल्दी ही डाल दूँगी आपके, और ड्यूटीज़ वगैरह के लिए हम लोग हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स के साथ और थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।